नमस्कार दोस्तों, मैं रितु काड़े आप सभी का टीम वॉरियर एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं रितु काड़े छत्तीसगढ़ से टीम वॉरियर की टॉप ट्रेनर हूं और मैं आज आपके सामने एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर आई हूं, स्किन प्रोडक्ट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल 99% लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं आज आप लोगों के सामने इसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करने के लिए आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम सभी की स्किन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की डिहाइड्रेशन वाली स्किन होती है, किसी की पैची होती है, किसी की बहुत रिंकल्स पिंपल्स, ये सारी स्किन की प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार की स्किन में होती है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को बैलेंस कर सके, और हमारे स्किन में अगर प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे स्किन में पीएच के अनबैलेंस होने से प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसा हमारे स्किन अलग अलग होती है, वो इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि हमारे स्किन का पीएच भी अलग अलग होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, पर इस टॉपिक पे आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अब हम स्किन के प्रॉब्लम्स की तरफ चलने से पहले हम ये जानेंगे कि स्किन में प्रॉब्लम होती क्यों है। दरअसल दोस्तों हमें स्किन में प्रॉब्लम होती है पीएच के अनबैलेंस होने से। अब आप कहेंगे कि पीएच क्या होता है? पीएच वो होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्किन में 70% वाटर, हमारा स्किन जो है 70% वाटर से बना हुआ है, और किसी भी वाटरी सॉल्यूशन में वह एसिडिक है या अल्कलाइन है उसे मापने की एक यूनिट होती है जिसे हम पीएच कहते हैं। पीएच को दोस्तों हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम बताकर पीएच को समझाती हूँ। देखिए जैसे ये डायग्राम है जी, देखिए इस तरीके का डायग्राम है जो 0 से 14 की एक स्केल के रूप में है। ये डायग्राम देखिए, जब हमारे स्किन का पीएच जो है वो 7 से 0 की तरफ जाता है तो हमारी स्किन जो होती है दोस्तों ऑयली हो जाती है। ऑयली होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसमें ऑयल वाली प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जैसे स्किन में ऑयल निकलना चालू हो जाता है, स्किन में रेडनेस आ जाती है, स्किन में ओपन पोर्स हो जाते हैं और हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होने के कारण उसमें पिंपल्स आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारी स्किन में ऑयल वाला प्रॉब्लम चालू हो जाता है, मतलब आप समझ जाइए कि हमारा स्किन का जो पीएच है वो 0 की तरफ आने लगा है, और जैसे ही हमारी स्किन का जो पीएच है वो 14 की तरफ जाता है 0 से, तो आप मान के चलिए दोस्तों कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के कारण क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राईनेस हो जाती है, एंटी एजिंग लगने लगती है, हमारे स्किन में बहुत सारे रिंकल्स आने लगते हैं, हमारे स्किन में टाइटनेस आने लगते हैं और हमारे स्किन में ग्लो चला जाता है, हमारे स्किन में सन बर्न जल्दी हो जाता है। तो अब आप कहेंगे दोस्तों कि हमारे स्किन का हेल्दी पीएच क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे स्किन का जो हेल्दी पीएच है वो 5.5 रहता है। अगर हमने अपने स्किन के पीएच को 5.5 तक के बैलेंस किया तो डेफिनेटली हम अपनी स्किन के पीएच को मेंटेन कर पाएंगे और हमारी स्किन की प्रॉब्लम को हम खत्म कर पाएंगे। बट आपको मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है? अगर है तो प्लीज बताइए। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एटोमिक के प्रोडक्ट्स स्किन के, जो बहुत ही बेहतरीन और ऑसम रिजल्ट देते हैं। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि अगर अभी तक आपने ऑटोमी जैसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए ताकि आप इसके प्रोडक्ट यूज कर सके। ये प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे स्किन में वर्क करते हैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, स्किन की लेयर के बारे में। तो आइए हम स्किन की लेयर के बारे में देखेंगे कि आपको पता ही होगा कि स्किन में 3 लेयर होती है, वैसे तो 7 लेयर होती है दोस्तों, बट हम 3 ही लेयर के बारे में बात करेंगे। हमारी स्किन बहुत ही छोटे छोटे टिश्यूओं से बनती है और हमारी जो स्किन की लेयर होती है वो 3 लेयर होती है मोस्टली। ऊपर की जो पहली परत होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जिसपे सारी ब्यूटिशियन वर्क करती है, वो अपने प्रोडक्ट को ओनली एपिडर्मिस तक ही करती है, करके उनको रिजल्ट ओनली 15 डेज या 1 मंथ तक ही मिलता है। बट
जो सेकेंड लेयर रहती है वो रहती है डर्मिस, जहां तक प्रोडक्ट केवल मशीनों के द्वारा ही जा सकता है, जो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होते हैं, जिसके कारण लोग वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते और उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और थर्ड होता है दोस्तों हाइपोडर्मिस, जिसमें हम ऑपरेशन के द्वारा जहां पर ब्लड रहता है वो उस सेक्शन को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, वो लेयर का थर्ड पार्ट होता है। अगर आपको अपने स्किन का पीएच बैलेंस करना है दोस्तों, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट आपके डर्मिस तक पहुंचे। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है, चाहे वो टोनर हो, क्लींजर हो या मॉइस्चराइजर हो, जिसके द्वारा हम अपने स्किन के पीएच को बैलेंस कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमारे डर्मिस तक जाता हो। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं खुशखबरी लाई हूँ, ऐसे ही हमारा साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है, जो R&D का प्रोडक्ट है, साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है, जो बहुत रिसर्च के बाद मार्केट में आया है, स्किन का प्रोडक्ट, जो कोई आपके जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसे दूर करता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। हमारे एटोमी में बहुत सारे डिफरेंट स्किन के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जिससे कि आप अपने स्किन के पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आप मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का नॉलेज ले सकें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो दोस्तों आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हो गया है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको स्किन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आपके हिसाब से जो आपको स्किन का नॉलेज चाहिए वो लेकर आप तक पहुंचूंगी। हमारा जो टीम वॉरियर एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम है वो आपके सामने हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा है दोस्तों, क्योंकि वो इंडिया में ही नहीं ग्लोबली वर्क कर रहा है। मैं चाहती हूँ दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें, ताकि हमारे इस एजुकेशन सेंटर का आप बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा सके और आप इसे बहुत अधिक अच्छे से अच्छे नॉलेज ले सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट